नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे। लिंग का अर्थ होता है जेंडर, इंग्लिश में क्या कहते हैं जेंडर। यहाँ पर दो लिंग है, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग का अर्थ होता है मेल जेंडर और स्त्रीलिंग का अर्थ होता है फीमेल जेंडर। पुलिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, मतलब जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब उसमें हमें पता चलता है कि वह पुरुष जाति का शब्द है, पुरुष जाति का उसमें अर्थ है, उसे क्या कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं पुल्लिंग, मतलब मेल, मेल जेंडर। जैसे कि घोड़ा। अभी और भी उदाहरण है, यहाँ पर इस चित्र में देखो, लड़का, मुर्गा, बैल, ये क्या है पुरुष जाति के शब्द है। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, मतलब जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसमें स्त्री जाति का, उसमें हमें समझ में आता है कि उसमें स्त्री जाति का बोध है, उसे क्या कहते हैं स्त्रीलिंग। हाँ, मतलब फीमेल जेंडर। जैसे घोड़ी, घोड़ी, यहाँ पर देखो, अभी ये क्या है लड़की का चित्र है, तो यहाँ पे लड़का दिया है, ये क्या है पुरुष जाति का शब्द है, और यहाँ पर स्त्री जाति का, मतलब लड़की। अभी आपको ऐसे यहाँ पर शब्द लिखना है, मुर्गा, मुर्गी, बैल, गाय, और हम और उदाहरण देखेंगे। लिंग, पुलिंग, स्त्रीलिंग, बेटा, बेटी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, बच्चा, बच्ची, राजा, रानी, राजा, रानी, चाचा, चाची, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, बकरा, बकरी, पिता, माता, पिता, माता, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका, आदमी, औरत, आदमी, औरत, शेर, शेरनी, शेर, शेरनी, नाना, नानी, नाना, नानी। धन्यवाद।